Hello students, let's solve this question. Four identical cubes are joined end to end to form a cuboid. If the total surface area of the resulting cuboid is 648 centimeter square, then find the length of edge of each cube. Also find the ratio between the surface area of resulting cuboid and the surface area of a cube. All right. तो स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि चार आइडेंटिकल क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है जिसकी हेल्प से हमें क्या मिला है एक क्यूबॉइड शेप मिल गई है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 648 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमें मिला है उसका जो टोटल सर्फेस एरिया है वो है 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए जो क्यूब है उसकी लेंथ ऑफ एच क्या होगी, मतलब उसकी साइड फाइंड करनी है हमें, और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि रेशियो ऑफ द बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन। गिवन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इट इज 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट ईच साइड और एच ऑफ क्यूब बी एच ऑफ क्यूब बी स्मॉल ए। ऑलराइट, आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स मैं इसकी आपके सामने एक फिगर ले आता हूं और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स ड्रॉ इट्स फिगर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये फिगर है। इस फिगर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने 1, 2, 3, 4 फोर क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। ऑलराइट, जिसकी हेल्प से हमें एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिल गया है, और जो अगर हम लेंथ ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड की बात करें और हाइट ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो देखिए क्या वैल्यू निकलेगी। हमने कंसीडर किया है कि जो साइड ऑफ क्यूब है दैट इज ए, तो हाइट कितनी हो गई इसकी, इट इज ए। ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ओके, और जो लेंथ है इट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इट इज इक्वल टू, यू कैन से इक्वल टू 4a। सो दिस इज द फिगर। ऑलराइट, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वो है, वैल्यू हमें दी हुई है उसकी 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो देखिए आप यहां से क्या कह सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2lb प्लस bh प्लस hl। ओके, नाउ पुट दीज वैल्यूज, यू विल गेट L equal to 4A, B equal to A, plus B equal to A, and H is also equal to A, plus A, and length again 4A. Okay, this. So, from here you will get 2, 4A square, plus A square, plus 4A square, which means 2 into 9A square. ओके, एंड दिस विल बिकम 18a स्क्वायर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हियर यू कैन से 18a स्क्वायर इज इक्वल टू 18a स्क्वायर इज इक्वल टू 648। ओके, इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 648। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 648 डिवाइडेड बाय 18। ऑलराइट, और अब आप इसकी अगर वैल्यू कैंसिल करेंगे देन यू विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहां से आप कह सकते हैं साइड ऑफ क्यू इज 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, now we need to find the ratio of total surface area of cuboid to total surface area of cube। okay,
So you can say total surface area of cube is equal to 6 a square. So this will become 6 into 36 and this will become 216. All right. अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सो दिस विल बिकम 648 रेशियो 216. ओके, एंड दिस विल बिकम 3:1. ऑलराइट, तो यहां से हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं दैट therefore side of cube is 6 cm and ratio total surface area of cuboid to total surface area of cube is equal to 3:1 and the correct option is C. All right. Thank you.